بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا شوق بھی بہترین چل رہا ہوں ویورز آج کے ولاگ میں ہم ڈی وارمنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈی وارمنگ کیوں ضروری ہے آپ کے پرندوں میں اور ڈی وارمنگ کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کے پرندوں کو اور اگر آپ نے ٹائم بھی ڈی وارمنگ نہیں کی اپنے پرندوں کی تو اس سے क्या नुकसान होता। तो आइए चलते हैं वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। आज आपको वीलॉग के आसन थोड़ा सा प्रेमियों का शौक भी कराऊंगा। माशाल्लाह देखें शेरू भी खड़ा हुआ है पीछे और बाकी भी मस्ताने वगैरह भी खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये है कि बात कर लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो व्यूअर्स, डी वॉर्मिंग आपने पहली बार जैसे आपका चूजा निकल आया, हैचिंग स्टार्ट हो गई, चूजे सारे आपके बाहर आ गए, तो पहली जो आपने डीवॉर्मिंग करनी है वो दो महीने के बाद, यानी आफ्टर टू मंथ्स जब आपका चेक दो महीने का हो जाएगा तो पहली डीवॉर्मिंग आपने दो महीने के बाद करनी है। फ्लैशिंग भी कहते हैं, डीवॉर्मिंग भी कहते हैं। असल में ये क्यों ज़रूरी है कि अगर आपने अपने परिंदे की बर वक्त टाइमली डीवॉर्मिंग नहीं की, आप उसको सोना खिला दें, आप उसको ग्रे खिला दें, चांदी खिला दें, आपका चूजा ना फलेगा ना फूलेगा और वह एक्सपायर हो जाता है चूजा। तो ये आपने लाजमी उस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने शेड्यूल बनाना है, क्योंकि एक जगह पे पेपर पे डायरी पे आप लिख लें कि आपने जी टाइमली डीवॉर्मिंग करनी है, पहले दो महीने के बाद करनी है। और फिर हर आपने डीवॉर्मिंग हर डेढ़ माह का आप टाइम बना लें, हर डेढ़ माह या दो माह के बाद आप इस तरह टाइमली अपने परिंदों को डीवॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पेट के अंदर, असल में आपको पता है मुर्गी जो है या कोई भी परिंदा है, ये जब दाना उठाते हैं तो साथ ही दाने के साथ मिट्टी भी होती है और कुछ गंदगी भी होती है, बीठों में भी दाना होता है तो ये उठा रहे होते हैं। तो जब वो दाना ये खा लेते हैं तो इनके पेट के अंदर जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब कीड़े पैदा हो जाएंगे तो आपका जो परिंदा है, आपने अगर टाइमली डिवॉर्म नहीं किया तो आपके परिंदे जो खाना खाएगा, दाना उठाएगा, वो उसको लगेगा नहीं। वो जो पेट में कीड़े हो जाते हैं इसके, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, फिर ये खुराक जो परिंदा है आपका, बड़ा बर्ड हो छोटा बर्ड हो, वो खा रहा होता है, फिर आपके परिंदे को नहीं लगता, कीड़ों को लगता है। तो आपने बर वक्त जो है उसको डीवॉर्म करना है, पहली डीवॉर्मिंग दो महीने के बाद, और फिर आप शेड्यूल बना लें कि आपने हर डेढ़ माह के बाद आपने अपने परिंदों की डीवॉर्मिंग करनी है। देखिए डीवॉर्मिंग के मुख्तलिफ तरीके भी हैं, आप वेटनरी मेडिसिन से भी डीवॉर्मिंग कर सकते हैं, आप ह्यूमन मेडिसिन से भी डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। ह्यूमन मेडिसिन जो सबसे सस्ती है, आप जेंटल सीरप होता है, छोटी सी बोतल होती है, 50-60 रुपए की मिलती है, आप ले आए, ठीक है, और आपने वो एक लीटर पानी के अंदर वो बोतल को आपने मिला लेना है। परिंदों को आपने प्यासा रखना है, डी वॉर्मिंग करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, परिंदों को आपने प्यासा रखना है। फॉर एग्जांपल ये इस टाइम मगरब का टाइम है, अभी आपने परिंदों को या पानी आज आपने दिन में नहीं दिया, तो इस टाइम आपने पानी देना, प्यासे होंगे वो पानी पियेंगे और उनकी फिर रात भर डी वॉर्मिंग होती रहेगी। या आप सुबह के टाइम जो है अपने परिंदों को पानी दें, रात भर आपने प्यासा रखा हो, जब आप सुबह पानी देंगे उनको प्यास लगी होगी, वो पानी पियेंगे और फिर जो है उनकी डीवॉर्मिंग हो जाएगी, पेट से जितना गंद है वो निकल जाएगा। आप देखेंगे कि वॉर्म्स आपको दिखते भी हैं जब आप परिंदों को जब डीवॉर्म करते हैं तो आपको दिखते भी हैं। तो ये चीज़ें शौकीन हजरात हों, चाहे वो अभी बिल्कुल स्टार्ट किया हो उन्होंने शौक, या अभी जैसे कर रहे हैं शौक, तो ये लाजमी चीज़ें हैं, आपने लाजमी करनी है। अगर आपने टाइमली डीवॉर्म नहीं किया, आपका बर्ड सूखने में भी आता है, आप फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादातर केसेस के अंदर आपका बर्ड जो है मर जाता है, मोर्टेलिटी रेशो बहुत बाज़ोतात मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई चूज़े निकले, चूज़े सेहतमंद थे, लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि चूज़े डाउन हो गए और एक्सपायर हो गए। वो क्यों होते हैं कि आपके बर्ड की टाइमली डीवॉर्मिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो सूखता चला जाता है, ना उसकी कद की ग्रोथ होती है, ना उसके जिस्म का गोश्त बढ़ता है, वो उतना ही रहता है जितना उसको फीड हेल्प करती है। और फीड जब एक टाइम के बाद फीड भी जो है ना उसको फिर असरअंदाज नहीं होती और वह एक्सपायर होता है। दूसरी जो मैं आपको बताने लगा हूँ वेटनरी के हिसाब से,
वो ऑक्सोएफएक्स के नाम से एक सिरप आता है, बहुत कमाल का सिरप है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं डीवॉर्मिंग के लिए। ठीक है, आपने एक लीटर पानी के अंदर एक ढक्कन वो मिला के आपने दे देना है। ठीक है, इसी तरह आपने परिंदों को प्यासा रखना है, वो पिएंगे और पीने देना है। जितना परिंदा वो पानी पिएगा उतने ही उसकी अच्छी डिवॉर्मिंग होती है। अभी मैं आपको अपने कुछ परिंदे भी दिखाता हूँ जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डिवॉर्मिंग हुई हुई है। आप उनकी सेहत देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि डीवॉर्मिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। और एक ऐसा चूज़ा भी दिखाता हूँ जिसकी डीवॉर्मिंग नहीं की और उसके आपको नुकसान भी अभी आपके सामने आएगा। ये परिंदा मादी है माशाल्लाह, ठीक है, और नरों को जो है ना ये मार देती है, बड़ी ही एग्रेसिव है। सबसे पहले आपको मादी का आगे पीछे से शॉट भी कराता हूँ, आप मादी के पल्ले चेक करें। मादी की आप तो भी शॉक करें, आप मादी की नलियां चेक करें। तो ये है कि अगर आपने अपने परिंदों की टाइमली डीवॉर्मिंग की है तो उनकी सेहत उस तरह से होगी। अगर आपने अपने परिंदे की देखें कोई हड्डी उसके अंदर नहीं है, और अगर आपने टाइमली डीवॉर्मिंग नहीं की तो आप, मैंने आपको बताया, आप दुनिया जहान इसको खिला देंगे, आपका परिंदा फलेगा फूलेगा नहीं। अभी मैं आपको एक और परिंदा भी दिखाता हूँ जिसकी हमने डीवॉर्मिंग में थोड़ा सा, मैं आपको पता अपने काम की वजह से भी बिजी होता हूँ, तो वो डीवॉर्मिंग उसकी थोड़ी सी मिसप्लेस हुई, तो वो केस भी आपके सामने अभी लेके आता हूँ ताकि आपको सही से फर्क वाजे हो जाए। यार ये चूजा इस बहुत ही अच्छी मादी से निकला हुआ है, लेकिन असल में क्या बात हुई है, भी किली ताजी, लेकिन इसकी डीवॉर्मिंग नहीं हुई। और दूसरी वजह भी बताता हूँ कि इसका कद को, इसके जो बाकी सात बच्चे निकले वो माशाल्लाह इस टाइम तकरीबन चार चार महीने के, और आप इस चूजे को देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, उनके मुकाबले में बिल्कुल अभी समझ लें कि ये डेढ़ माह का चूजा लगता है, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ चार माह का। तो दो वजूहत है, एक वजूहत ये है कि डीवॉर्मिंग का डिले भी है, दूसरी वजूहत ये है कि जब आप अपनी मादी के नीचे छोटे अंडे रखते हैं, ठीक है, जैसे भी अंडे आए आपने अपनी मादी के नीचे रख दिए, तो मैंने कल भी आपको बताया कि आपने मादी के नीचे अच्छी क्वालिटी के अंडे रखने हैं, बड़े साइज के अंडे रखने हैं, वरना तो क्या होगा, बच्चा तो हैच होगा लेकिन क्योंकि अंडे के अंदर इतनी मजबूती नहीं होती, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती जिससे वो बच्चे को ग्रोथ में इजाफा करे बाद में, तो वो बच्चे इतना छोटे छोटे निकल आते हैं। तो ये अब आप छोटे ही कद के परिंदे रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर केसों को मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो आपने ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखा। अभी मैं आपको अपने कुछ परिंदे हैं, मुर्गे थोड़े से अच्छे हुए हैं, शायद में भी टाइट हैं, तो अभी आपको वो भी दिखाता हूँ और फिर भी आपको वाइंड अप करते हैं। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, अगर आपने टाइमली डीवॉर्म किया है अपने परिंदे को तो ये माशाल्लाह ये सेहत होती है। आप देख लें सेहत में भी, खूबसूरती में भी लाजवाब। इस परिंदे को देखें, माशाल्लाह हर लिहाज से टॉप क्वालिटी में है। अभी कुरीज में है ये, तो इंशाल्लाह ये अपनी जल्द कुरीज पूरी करेगा। आप सिर्फ शौक करें, आग का शौक करें इसकी, आप इसकी नलियों का भी शौक करें। आप शेरू को देखें, ये सारी वजह है कि आपने अपने परिंदों का ख्याल रखना है, उनको डीवॉर्म करना है, उनकी वैक्सीन टाइम पे करनी है। अगर उनको बुखार हो जाए, उनको किसी किस्म का कोई गले का दर्द है, गला ख़राब है, तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना निगलेक्ट नहीं करनी। अगर आप एक शौकीन है तो आपने टाइमली इन चीज़ों को देखना है। आप इसको भी चेक करें, इसको पूरे तैयार खड़े हैं, बस ये है कि कुरीस कुछ रह गई है, तो ये इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल करेंगे। आप इसको देखें, आप सिर्फ तेल चेक करें इसकी,
अभी तो अभी तेल पूरी नहीं हुई, अभी कुरीद मुकम्मल इसने की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फोटा आप इसका मैं दिखाऊं तो ये भर के खड़ा हुआ है। आप चूहे पट्टे का बल्तर चेक करें, आप पोट देखें भरा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी जो है ख्याल रखनी है। एक अच्छे शौकीन की यही क्वालिटी है कि वो अपने परिंदों को टाइम भी दे, उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मज़ीद व्लॉग भी लेकर आते रहेंगे। आपसे बस यही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी हर वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। तो आप लोगों ने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।